हेलो एवरीवन, जय श्री राम। हमेशा की तरह मैंने भगवान को सुबह उठ के धन्यवाद बोला है और आ जाती हूँ किचन में। पानी गर्म करके उसमें मिलाया है नींबू, शहद और चिया सीड्स। पूरा पानी ख़त्म करके मैंने बॉडी मूवमेंट किए हैं और मैं चली जाती हूँ फ्रेश होकर तैयार होने के लिए। फिर मैं सीढ़ियों से होते हुए आती हूँ नीचे और शुरू कर देती हूँ अपना मॉर्निंग वर्कआउट रूटीन। इसके लिए सबसे पहले मैंने अपनी सोई हुई सभी मसल्स को जगाया है, गर्दन को हिलाया है, कमर को हिलाया है, उसके साथ पैरों को भी हिलाया है। पूरी बॉडी का वार्म अप और स्ट्रेचिंग रूटीन ख़त्म करने के बाद मैंने शुरू कर दिया है अपना 200 टाइम्स का स्किपिंग गोल। पिछले 10 दिनों में मैंने अपना 3 kg वेट लूज़ किया है और ये मुझे काफ़ी मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस दे रहा है। ऊपर आके मैंने बर्ड्स के लिए रखा है दाना पानी और अपने फेवरेट मैसूर संदल सोप से नहा के मैं खुद को बहुत फ्रेश फील कर रही हूँ और मैंने पूजा की है। ब्रेकफास्ट में आज खाया है उबले अंडे, चने, पपाया और हल्दी वाला काढ़ा। तैयार होके मैं आ जाती हूँ ऑफिस और 4 लीटर पानी पीने के रूटीन में अपना पानी पीने मैंने कंटिन्यू रखा हुआ है। आज की तस्दाई तो उसे ख़त्म करके मैंने लंच में खाए हैं चावल, राजमा और खीरे। 9 घंटे की नौकरी में बीच में ब्रेक लेके मैंने ख़त्म किया है अपना प्रोटीन और केला खाया है। फिर मैं शाम को आती हूँ जिम और आज है यहाँ पे आज मेरा बैक वर्कआउट डे, तो उसकी मैंने शुरुआत कर दी है। जो ट्रेनर है मुझे गाइड कर रहे हैं कैसे क्या करना है। सारा अपना वर्कआउट मैंने कंप्लीट कर लिया है और आज 11वें दिन मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है खुद में, क्योंकि मैंने 3 kg वेट लूज़ कर लिया है और खुद में की बॉडी में, खुद की माइंड में बहुत ज़्यादा मैं चेंजेस फील कर रही हूँ। मैं खुद को अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर रही हूँ। जो मैं पहले थक जाया करती थी शाम को, अब मैं सारे काम ख़त्म करके जिम करके मैं घर पहुँचती हूँ, बुक पढ़ती हूँ और सुकून से सो जाती हूँ। और 75 Hard ने मेरे लाइफ को पिछले 10 दिनों में बहुत चेंज किया है। थोड़ी सी मैंने अपने लिए शॉपिंग भी कर ली है। आज सब्जी मंडी गई थी तो वहाँ पर देखे समोसे जलेबी, बट मैंने खाए नहीं है। घर आके मैं नहाई हूँ, फ्रेश हुई हूँ और मैं पढ़ने बैठ गई हूँ द सीक्रेट। इस बुक में है कि जैसा आप सोचते हैं, जो आपको चाहिए, जो आपकी थॉट की फ्रिक्वेंसी है, वही आपको मिलता है। तो इसलिए आप हमेशा अपने लिए अच्छा ही सोचिए। और ये है आज की सेल्फी ऑफ द डे। बॉडी में प्रोग्रेस, माइंड में प्रोग्रेस जारी है। इसके साथ साइड टास्क कंप्लीटेड। जय श्री राम।